दिवसीय दौरे पर गए पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने विभागीय पदाधिकारियों और मछली पालकों के साथ बैठक की। इस दौरान अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए सहनी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून जितना सफल होना चाहिए था उतना निश्चित रूप से नहीं हुआ। राज्य में 7,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान के बाद भी ये कानून लागू है। जितना होना चाहिए वो निश्चित तौर पे वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक सफल हुआ है। और ये बात तो आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने बहुत ही अच्छा पहल किए हैं। तकरीबन 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार का राजस्व का, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं और बहुत हद तक सफल है। इसमें कहीं अगर असफल है तो वहाँ पे जनता को भी जागरूक होने की। वहीं गोपालगंज जिले में 9 साल के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने महज 6 महीने में सुनवाई पूरी कर फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को जेल भेज दिया गया। कोर्ट के फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल दुष्कर्म के आरोपी जय किशोर सह ने 25 अगस्त 2020 को सिद्धवलिया थाने के एक गाँव की 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसी आरोपी ने रेप करने के बाद किशोरी की हत्या कर दी और शव को बक्से में बंद कर छज्जे पर रख दिया और दरवाजे में ताला बंद कर फरार हो गए। काफी छानबीन के बाद घर का ताला तोड़ने पर बच्ची का शव बरामद किया गया। दरोगा से स्पेशल पीपी पक्षु सिद्धवलिया कान संख्या 187-20 मुदाला जय किशोर शाह को 25 दिन के अंदर आरोप गठन के आरोप गठन से फांसी की सजाए बलेंद्र शुक्ला स्पेशल। वहीं बिहार के गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें गोपालगंज में 5 और मुजफ्फरपुर से भी दंपति सहित 5 लोगों कि पिछले 48 घंटे में जान जा चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से मौत की यह घटना सामने आई है वो साफ जाहिर करता है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। इन मौतों के लिए पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके लिए संबंधित जिलों के SP दोषी हैं। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर हैंडल पर शायराना अंदाज में दिखे। दरअसल उन्होंने RJD ट्विटर के जरिए बशीर बद्र की शायरी को अपने काम से जोड़ते हुए लिखा कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने ट्विटर के जरिए बताने की कोशिश की है कि वह बिहार में आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने अपने आवास पर देर शाम लोगों की समस्या का निदान करते हुए कुछ तस्वीरें भी साझा की। मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चेतन आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार ने युवाओं को गुमराह किया है। वहीं उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आवाज उठाने की भी बात कही है। आज जो है ये उद्घाटन हुआ है और हम शुक्रगुजार हैं कि हमको इधर बुलाया गया और बस यही बात है। और मुजफ्फरपुर आने का एक बहाना भी मिला, लोगों से रूबरू होने का एक बहाना मिला, सब लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। खास करके युवाओं के का जो समस्याएं हैं हर जगह जो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना है उसी के ऊपर हम। वहीं बाढ़ पुलिस ने नालंदा जिला अंतर्गत चंडी थाना की मदद से सोनू यादव नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर वाहन लूट के 3 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें एक मामले में अपराधी चार्जशीटेड था और 2 मामलों में फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपराधी सोनू यादव पर नालंदा जिला के नूरसराय और हरनौत थाने में भी कई मामले दर्ज हैं और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पहले भी अपराधी जेल जा चुका है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? कहाँ घर है? चंडी थाना। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? हमको नहीं पता। कोई पता नहीं है आपको? कोई पता नहीं है। कोई अपराध आप पर नहीं है पहले से? पहले से एक बार हम इतना लड़का नाम बताया था, उसमें हम जेल चल गए थे यहीं से थाना से। अच्छा। वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। दरअसल इलाके में 8 दिन पहले 60 वर्षीय महिला भारती देवी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ नहीं लगी है।
वो हथियार जो हुआ है उसी के संबंध में, हथियार कपड़ा उपड़ा में खून लगा हुआ जो कहाँ उसका साल है, सूट समीज है, ये सब खोज रहे हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। वो चप्पल मिला है डॉग के द्वारा मिला है, तो आधार पर अनुसंधान जारी है, अभी तो कोई साक्ष्य सामने। वहीं बेगूसराय के पसपुरा ढाला के पास रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक ट्रैक्टर चालक को गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं गोली लगने से चालक बुरी तरह घायल हो गया है। जख्मी की पहचान मटिहानी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 2 चंदन कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर से अचानक बम फटने की घटना सामने आई है, जहां देवखाल चोर गांव के एक खेत में अचानक बम फट गया, जिसमें खेत में काम कर रही एक युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर उजियारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? बबीता कुमारी देवखाल में चोर में गले घास काटला, हुए बम बरसट को गए, तो घायल हो गए। हाँ, पूरा घायल। इलाज के लिए कहाँ ला? सदर हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने क्या कहा? वहीं भागलपुर के आदमपुर में एक फ्लैट के सामने खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कॉर्पियो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कॉर्पियो फ्लैट के सामने खड़ी थी और अचानक स्टीयरिंग में आग लग गई। अपना ड्रेस ले जाने आए थे, हमको शादी में जाना था। अच्छा, उसके बाद फिर हम आए फ्रेश व्रेश होके, जैसे बाहर निकले तो मेरा भाई दौड़ा हुआ उधर से आया, बोला कि गाड़ी में आग लग गया, तो हमने वहाँ से दौड़े, जब तक मैं देखे पूरा गाड़ी जल गया था। कोई आशंका नहीं, मेरा भागलपुर में कोई है ही नहीं, तो फिर किसकी आशंका है? क्यों लगा दी गई गाड़ी में हम? वहीं बिहार शरीफ अंचल कार्यालय में कर्मचारी और भू माफियाओं की मिली भगत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बिहार शरीफ में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर लाखों रुपए की जमीन बेच दी गई। दरअसल पूरा मामला देवीसराय इलाके का है, जहां सरयुग महतो के बेटे ने अपने पिता को मृत घोषित करवाकर उनकी लाखों की जमीन बेच डाली। बताया जा रहा है कि अंचल कर्मचारी और भू माफियाओं के साठ गांठ से यह षड्यंत्र रचा गया। वहीं इस मामले में अंचलाधिकारी अरुण कुमार ने अपने कर्मचारी का बचाव किया है। मामला था कि हम बचे हुए हैं, अभी भूल चट्टा हो गए हैं और जिसमें हमको मार दिया है सीओ और कर्मचारी मिलके। हमको पढ़े लिखे हम आदमी नहीं थे, कागज रखा हुआ था, हम बीमार पड़ गए थे और वही समय मांगे इस कागज हमसे। आपके माध्यम से जो हमें सूचना मिली है, तो उसके सक्सेशन करना था, माँ के नाम से बेटा लोग को चढ़ाया गया है। तो जैसे देखने से टेकलांस लगता है, मतलब प्रथम दृष्टिया कि वो टाइप थी में गलती हुई है, फिर भी हम जो जीवित हैं सरयुग महतो, हम उनको बुलवा रहे हैं ताकि हम उनका जो समाधान या उसका जो त्रुटि है। वहीं कैमूर में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र का है, जहां राजू कुमार नाम का युवक किसी अन्य छात्र के बदले परीक्षा दे रहा था। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां बिहार चिकित्सक और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर सीएस कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद कर्मचारियों ने सीएस कार्यालय परिसर में धरना देते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे हमारे संघ के साथ किए थे उसे पूरा करें, उसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वैक्सीन कुरियर संघ समिति के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान किए गए समझौते को लागू किया जाए और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ठीक किया जाए। वहीं कैमूर जिले के भभुआ और मोहनिया बीआरसी भवन में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल, सामान्य बच्चों को साइकिल सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। वो इस अभियान में मोहनिया SDM भी मौजूद रहे।
और विशाल कुमार अरुण कुमार चौधरी। शिक्षा परियोजना कैमूर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों को उपकरणों के वितरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। 18 तारीख को लोगों ने भगवान मंडल के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांग बच्चे हैं जो हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। वहीं मोतिहारी जिले के खगनी गांव में मिट्टी काटने गई एक महिला की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मिट्टी काटते वक्त मिट्टी धंसने से महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृत महिला की पहचान शिव बालक राय की पत्नी फुल्की देवी के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय मैदान में सेना और पुलिस अभ्यर्थियों को विशेष ट्रेनिंग मिल रही है। दरअसल युवा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप के प्रशिक्षित ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के जोश और सजगता को देखते हुए प्रशिक्षित ट्रेनरों ने मुफ्त प्रशिक्षण दिया है। 10-15 दिन से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले प्रैक्टिस करती थी एथलेटिक्स का, लेकिन भैया बोले गर्ल्स लोग को सिखाने के लिए, तो मैं सिखाना स्टार्ट की हूँ 15 दिन से। मेरा एम यही है कि मैं एथलेटिक्स का प्रैक्टिस करूँ और ये लोग को कुछ अच्छा सिखा दूँ, ताकि ये लोग बहाली में कहीं भी जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। लमसम सर, हम 4-5 महीनों से ही स्टार्ट किए हैं, शुरुआती किए थे। यहाँ पे पहले बच्चे दौड़ते थे, लेकिन बहुत एकता नहीं दिखता था, इसके कारण मैंने ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम युवा लक्ष्य फिटनेस। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बाईपास मार्ग पर वाहन जांच के दौरान अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही चालक और उपचालक को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद शराब की कीमत 17 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस चालक से इस संबंध में पूछताछ कर रही है। गश्ती में दिवागश्ती में थे, गुप्त सूचना मिला जी अरवल तरफ से एक ट्रक पर शराब का खेप आ रहा है। चेकिंग के क्रम में ग्राम वजीरपुर के पास NH-39 पर ट्रक को पकड़ा गया है। खलासी और चालक से पूछताछ किया जा रहा है। गिनती फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।